नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूँ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहाँ से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा चार शातिर अपहरणकर्ताओं को घटना में प्रयुक्त कार, अवैध शस्त्र व दरोगा और पुलिसकर्मी की वर्दी सहित गिरफ्तार कर अपहृत व्यक्ति को सकुशल बरामद किया गया। बता दें कि बीती 16 सितंबर को उत्तराखंड की रहने वाली मनीषा द्वारा पैसा वसूलने के उद्देश्य से शेरकोट निवासी व्यक्ति को उत्तराखंड के रामनगर में बुलाया गया, जहां शेरकोट निवासी यशवीर अपने नौकर मुकेश के साथ रामनगर चला गया। इसी दौरान मनीषा द्वारा अपने चार साथियों, जिनमें दो पुलिस की वर्दी और दो सादे कपड़ों में थे, उनके द्वारा यशवीर और उसके नौकर से जबरन पैसों की डिमांड की गई और अपनी ब्रेजा कार में बिठाकर 10 लाख रुपए की मांग करते हुए नजीबाबाद ले आए, जहां नजीबाबाद में यशवीर के एटीएम से कई हजार रुपए निकलवा लिए और बाकी शेष रुपए यशवीर से वसूलने के लिए उक्त लोग यशवीर को नजीबाबाद में छोड़ गए और उसके नौकर मुकेश को अपने साथ लेकर फरार हो गए। इस संबंध में पीड़ित यशवीर द्वारा थाना नजीबाबाद में मुकदमा दर्ज करवाया गया। वहीं अपहरण जैसी घटना का संज्ञान लेते हुए बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा अपहरण की सकुशल बरामदगी और घटना में सम्मिलित सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नजीबाबाद पुलिस को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में पुलिस क्षेत्र अधिकारी नजीबाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में बीते दिन कार्रवाई करते हुए उक्त लोगों की घेराबंदी कर घटना में शामिल चार अभियुक्त पंकज, दानवीर, दीपक और सुनील को अवैध शस्त्रों के साथ खेड़ा ढाबा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से 16,000 रुपए, दरोगा व पुलिसकर्मी की वर्दी और कार बरामद की गई। बिजनौर अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह द्वारा घटना का प्रेस वार्ता कर खुलासा किया गया। साथ ही बता दे कि घटना की मुख्य आरोपी मनीषा अभी फरार है, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। लेकिन नजीबाबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो लड़कियों के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसा के उनको बंधक बना के उनसे पैसा वसूली का कार्य करते थे, उद्यापन का कार्य करते थे। इसी तरह से एक मामला आया जो कि शेरकोट निवासी यशवीर ने एक मामला नजीबाबाद में दर्ज कराया कि एक लड़की से फ़ोन करा के कुछ लोगों ने मुझे रामनगर होटल में बुलाया, वहाँ पे मुझे अपने कब्जे में लिया और मुझे भय दिखा के उद्यापन करने के प्रयास से लेके आए और नजीबाबाद में एटीएम से 16,000 रुपया निकलवाया। तदुपरांत नौकर को बंधक बनाए रहे और कहे कि 10 लाख रुपए और लेके आओगे तब नौकर को मैं छोड़ूंगा। इस सूचना पर तत्परता से नजीबाबाद पुलिस ने इन चारों की गिरफ्तारी की। जो महिला इसमें संलिप्त है उसकी तलाश में हमारी पुलिस टीम गई हुई है, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। अब तक जो मामला विवेचना से निकल के आया यह धारा 386 का एक्सटॉर्शन का मामला है, ये है, इस पर गहराई से और विवेचना की जा रही है। हाँ, इसमें दीपक नाम का एक पुलिसकर्मी है जो कि 2011 बैच का है, अप्रैल 2021 से मुरादाबाद से निलंबित चल रहा है, वह भी इस गैंग में सम्मिलित है और इन्हीं लोगों के साथ इस तरह का उद्यापन का कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी घटनाएं कर चुके हैं, कुछ पता चल पाया अभी तो? इनकी घटनाओं के बारे में और जनपदों से, पड़ोसी जनपदों से जानकारी ली जा रही है। इनका पूरा अभी तक जो मामला निकल कर आया है उसमें जो पंकज एक अभियुक्त है उसके खिलाफ संभल में एक अभियुक्त दर्ज है, जो दानवीर है उसके खिलाफ दिलारी मुरादाबाद में दो अभियुक्त पंजीकृत हैं, जो दीपक है कांस्टेबल जो है हमारा उसके विरुद्ध ठाकुर द्वारा थाने में अभियुक्त पंजीकृत है, सुनील और मनीषा जो महिला है इसमें उसके खिलाफ भी दिलारी थाने में एक अभियुक्त पंजीकृत है। अन्य पूर्व इनका आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, गहराई से विवेचना करके इस गैंग को पूरा पर्दाफाश करके और इनको तोड़ेंगे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।